जैसे कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि जिनके ऊपर हम स्टेकिंग रिवॉर्ड्स अर्न कर पाए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियोस में बताया था कि आप बाइनेंस के ऊपर किस तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले जहां पे आप सिर्फ $1 लगा सकते हैं और आपको यहां पे लगभग 60% का प्रॉफिट मिलने वाला है। ये प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा और इसमें और भी किस तरीके से आप अर्निंग्स कर सकते हैं ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहना। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बाइनेंस के ऊपर हमने कई सारे ऑप्शंस देखे हैं जहां पे अर्न के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें लॉन्च पैड होता है, लॉन्च पूल होता है और भी काफी सारे स्टेकिंग प्रोग्राम्स होते हैं, फार्मिंग प्रोग्राम्स होते हैं या फिर आप अपने इथेरियम्स को स्टेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले जहां पे आप अपने USDT यानी कि स्टेबल कॉइन को स्टेक कर सकते हैं, स्टेक करके आप उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास मेटामास्क है या फिर ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है तो ऐसा कोई भी वॉलेट होना चाहिए जिसमें डैप ब्राउजर हो जिसमें आप इस डैप को एक्सेस कर पाए। तो फिनजियन के नाम से ये एक डैप है, इस डैप को आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डैप ब्राउजर के ऊपर जहां पे बाइनेंस स्मार्ट चेन एप्लीकेबल हो या फिर वहां पे सपोर्टेड हो। तो आप यहां पे $1 लगा सकते हैं, $1 से लेकर $2,000 तक आप यहां पे लगा सकते हैं। ये लगाने पर आपको क्या है कि 2% रिटर्न मिलता रहता है यानी कि आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो हैं वो डेली 2% मिलते रहते हैं जिसके बेसिस पर आपको टोटल 60% मंथली मिलते हैं। और अगर हम एनुअली देखें यानी कि APY देखें तो 60x12 आप कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा फायदा आपको ये है कि फिनजियन में अगर आप किसी को रेफर भी करते हो तो रेफर करने पर भी आपको 5% रेफर बोनस मिलता है। तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डैप के बेसिस पर होने वाला है क्योंकि डैप क्या है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से चलता रहता है क्योंकि यहाँ पे जो कोड है कोड ही लॉ है, कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर बेसिस पर अपने आप होता रहता है। तो आपने अगर अपना वॉलेट एक बार कनेक्ट कर लिया तो वहां पे आपको अपने वॉलेट में रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट्स मिलते रहते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे BP20 USDT का यूज़ किया जा रहा है यानी कि आपके ट्रांजैक्शन जो है यहाँ बार बार ऐसा नहीं कि आपको $1 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो कि TRC20 के ऊपर होता है। और वैसे हम जानते हैं कि BUSD तो रहा नहीं है और BUSD को धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा है, BUSD को खत्म किया जा रहा है जिसकी वजह से हम USDT BP20 को ही यहाँ पे स्टे करेंगे क्योंकि इसी USDT के ऊपर हमें क्रॉसिंग कैपेबिलिटी भी मिलती है, ट्रांजैक्शन फी बहुत कम रहती है और बाइनेंस के पूरे इकोसिस्टम के साथ ये कंपेटेबल रहता है। एंड आपको सबसे पहली चीज बताई थी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है यानी कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से मिलता ही रहता है। तो आप $2,000 तक यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं क्योंकि हर एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लिमिट होती है तो यहाँ पे $2,000 की लिमिट है और उसके ऊपर आप यहाँ पे 2% डेली अर्न करने वाले एंड 5% डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आपको यहाँ पे मिलेगी। तो रेफरल्स करने का आपको एक और बड़ा फायदा हो सकता है अगर आप अपने सेम पैकेज या फिर उससे बड़े वाले पैकेज से 2 डायरेक्ट रेफरल्स कर देते हो विद इन 24 आवर्स, तो आपको एक्स्ट्रा 0.5% डेली मिलना शुरू हो जाता है जो कि बूस्टर बोनस के नाम से है। तो फिनजियन के ऊपर आप ये भी अर्न कर सकते हैं। डेली लेवल बोनस की बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 लेवल्स दिए गए हैं। अब लेवल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को डायरेक्टली रेफर करते हैं तब तो आपको यहाँ पे इनकम मिलने ही वाली है, लेकिन इसी के साथ क्या है कि अगर आप अपने रेफरल्स को रेफर करते हैं फिर वो आगे रेफर करते हैं, ये करते करते अगर 10 लेवल्स बन जाते हैं तो उनकी इनकम का भी आपको एक शेयर मिलता है। यही कारण है कि इसको डेली लेवल बोनस कहा जाता है। तो लेवल 1 में यहां पे 30% है यानी कि जो भी अर्न आपका रेफरल कर रहा होगा उसका 30% आपको मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वजीरा एक्सचेंज यूज करते हैं या फिर बाइनेंस एक्सचेंज यूज करते हैं तो वहां पे अगर हमने किसी को डायरेक्ट रेफरल किया हुआ है तो उनकी जो भी ट्रेडिंग फी होती है वो हमारे साथ शेयर करी जाती है। सिमिलरली वो जो भी अर्न करते हैं तो उसका कुछ परसेंट हमारे साथ हमेशा शेयर किया जाता है। जनरली ट्रेडिंग फीस का 50-50% होता है यानी कि 50% एक्सचेंज रखती है वैसे 50% हमें मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे 30% हमें मिलने वाले हैं उनकी जो भी अर्निंग होने वाली है। और सेकंड लेवल से क्या है कि 20% मिलेगा और थर्ड लेवल से भी 20%, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने ये अनलॉक कैसे करने लेवल्स। वो डिपेंड करेगा कि अगर $1,000 का स्टेक अमाउंट है या फिर तीसरे लेवल पे $2,000 का स्टेक अमाउंट है, चौथे लेवल पे $3,000 का स्टेक अमाउंट है तो आपके 4 लेवल्स अनलॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि 4th लेवल पे और 5th लेवल पे यहाँ पे 10% मिलेगा और 6th से लेकर 10th लेवल तक 5% यहाँ पे इनकम शेयरिंग करी जाएगी। तो जो भी स्टेकिंग रिवॉर्ड आपके रेफरल्स अर्न करेंगे उसका हिस्सा आपको भी मिलता रहेगा। एंड ऐसा कई सारे एक्सचेंजेस ने भी यूज किया हुआ है, कई एक्सचेंजेस के ऊपर हमें 10-15 लेवल्स मिलते हैं, 20 लेवल्स तक मिलते हैं जिसमें क्या कि उनकी ट्रेडिंग इनकम को शेयर किया जाता है। लेकिन ये एक स्टेकिंग प्रोग्राम है तो स्टेकिंग के ऊपर यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड का
पार्ट शेयर किया जाता है। इसी के साथ है डायरेक्ट विड्रॉल बोनस जो भी अगेन 10% डायरेक्ट रहने वाले हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखें तो यहाँ पे BEP 20 USDT ही डिपॉजिट हो पाएगा और विड्रॉल मिनिमम $1 रहने वाला है। तो आपकी अगर $1 इनकम हो जाती है तो आप इजिली विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये BEP 20 के ऊपर है। अगर ये TRC 20 के ऊपर होता तो $1 विड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता। एंड विड्रॉल्स आपके इंस्टेंट रह सकते हैं, 24 आवर्स में आप कभी भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज एक और ये भी है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिडक्शन कोई भी नहीं रहता। जैसे कि एक्सचेंजेस एंड वॉलेट्स क्या है कि अपना एक एक्स्ट्रा डिडक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, यानी कि विड्रॉल्स के ऊपर कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। और आप यहाँ पे 4x तक अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर $1 लगाया तो मैं $4 तक अर्न कर सकता हूँ। अगर $100 लगाए तो मैं $400 तक अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अपर लिमिट दी गई है कि उतना ही आप अर्न कर सकते हैं। तो अभी तो फिनजियन का अपना सिर्फ एक स्टेकिंग प्रोग्राम ही आया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जल्द अपना एक कॉइन भी लेकर आएंगे और इसी के साथ कॉइन की लिस्टिंग्स भी होने वाली हैं। ऑफकोर्स पहले पैनकेक स्वैप के ऊपर ही होती है, उसके बाद बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर होती है, तो उसकी भी हम वेट कर रहे हैं। एंड आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.finzion.io। एंड आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर ग्रुप के लिंक्स, टेलीग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी रेफरल लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। एंड आप अपनी रिसर्च खुद जरूर करें, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अपनी रिसर्च करके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेक करें, जैसे कि हम बाइनेंस का हमेशा आपको बताते हैं, लेकिन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप फिनजियन को भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप रिसर्च कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेली 2% अर्न कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।